चाबी नहीं गई, चाबी नहीं पहले, चाबी नहीं गई चल पानी लेने जा रहे हैं जाओ यार नहीं आप नहीं करेंगे सर, गलती है कोई स्टाफ वाले तो हाल लगाइएगा फिर वह हालत कैसे पानी का पानी नहीं था हम देखो लगा दो लगा दो पर मध्य प्रदेश के रीवा में कोरोना कर्फ्यू के बीच जिला आपदा प्रबंधन समिति के निर्णय अनुसार 3 दिन का संपूर्ण लॉकडाउन लगाया गया है। 30 अप्रैल से लेकर 2 मई तक चलने वाले संपूर्ण लॉकडाउन को सफल बनाने के लिए पुलिस प्रशासन द्वारा काफी सख्ती बरती जा रही है। टोटल लॉकडाउन के बीच बेवजह घर से बाहर निकलने वाले लोगों पर पुलिस सख्त रवैया अपना रही है। समझाने बुझाने के बाद पुलिस द्वारा दंड स्वरूप उन्हें या तो उठक बैठक कराई जा रही है या फिर उनके वाहनों की हवा निकाल दी जा रही है ताकि वे घसीटते हुए अपना वाहन घर ले जाएं और दोबारा बेवजह घर से बाहर न निकलने का सबक लें। टोटल लॉकडाउन के दूसरे दिन रीवा शहर में पुलिस द्वारा लोगों के वाहनों की हवा निकाल कर उन्हें नियम पालन की चेतावनी दी गई। दरअसल जिले में तेजी से बढ़ रहे कोरोना संक्रमण के बीच लोगों को
मेलजोल से बचाने और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कराकर संपूर्ण लॉकडाउन के जरिए प्रशासन कोरोना संक्रमण की चेन तोड़ने की कवायद कर रहा है। ऐसे में घरों से बाहर बेवजह निकलने वाले लोग प्रशासन के लिए बड़ा सिरदर्द साबित हो रहे हैं, लिहाजा उन्हें रोकने के लिए पुलिस प्रशासन द्वारा तरह तरह के तरीके अपनाए जा रहे हैं। उद्देश्य सभी का एक है, कोरोना संक्रमण की चेन को तोड़ना। ऐसे में गुड मॉर्निंग टीवी भी सभी से अपील करता है कि वह भी बिना वजह घर से बाहर न निकलें और प्रशासन का सहयोग करें। लॉकडाउन चल रहा है, वहां की किस तरह के लोगों को समझाई दी जाएगी? ये संपूर्ण लॉकडाउन का आज दूसरा दिन है, इसमें जो है तो किसी को भी निकलने की छूट नहीं है, मात्र मेडिकल इमरजेंसी के लिए अगर कोई जा रहा है तो उसको जाने देना है। तो इस तातम में लोगों को ये समझाइश दे रहे हैं कोई घरों से बाहर ना निकलें। जो भी घर से बाहर निकल रहा है तो उसमें उनके विरुद्ध चालानी कार्यवाही भी की जा रही है और वाहनों की हवा भी निकाल दे रहे हैं ताकि लगातार संक्रमण फैलने से रोका जा सके। चूँकि रीवा में संक्रमण तेजी से फैला है, रोज 350 के लगभग केस आ रहे हैं, तो ज़रूरी हो गया है कि थोड़ा सख्ती की जाए। चूँकि लोग समझाने से बिल्कुल बाज नहीं आ रहे हैं इधर, तो उसमें जुर्माना भी किया जा रहा है और सख्ती भी की जा रही है। काफ़ी लोगों की हवा निकाली गई, फिर भी लोग मान नहीं रहे हैं। चूँकि ऐसा है कि एरिया बड़ा है और ये मेन रास्ता है, लोग आने जाने का प्रयास करते हैं, लेकिन जब पुलिस का पहरा है, सख्ती है, तो लोग मानेंगे और इसी से कंट्रोल होगा।